अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीट लिस्ट उन गाड़ियों की जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल हुई थी 2019 के अंदर, वो कौन सी कंपनी से रिलेट करती हैं और उनका कौन सा मॉडल है और कितनी क्वांटिटी में वो सेल हुई पाकिस्तान के अंदर। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज इज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि मैं डेली ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 12 पर जो गाड़ी है वो है आइसुजु कंपनी की तरफ से और मॉडल है डी मैक्स। और इस कंपनी की ये गाड़ी सेल हुई, 664 गाड़ियां सेल हुई साल 2019 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 11 पर है टोयोटा की तरफ से फॉर्चुनर और ये गाड़ियां सेल हुई 1908, यानी कि 1908 गाड़ियां सेल हुई इस कंपनी की। नेक्स्ट मूव करते हैं व्यूअर्स, नंबर 10 पर है सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी कंपनी की तरफ से स्विफ्ट और ये गाड़ी सेल हुई 3,677 इसके यूनिट सेल हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं व्यूअर्स, नंबर 9 पर है होंडा कंपनी की BRV। जी हाँ व्यूअर्स, होंडा कंपनी की तरफ से बनाई गई गाड़ी BRV जो कि 3,778 गाड़ियां सेल हुई। नेक्स्ट मूव करते हैं व्यूअर्स, नंबर 8 पर है टोयोटा की तरफ से हाइलक्स जो कि 4,523 यूनिट सेल हुए। नंबर 7 पे है सुजुकी बोलान, इनके कैरी डब्बा जिसको कहते हैं, और ये सेल हुई 12,287 यूनिट। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 6 पर है सुजुकी कंपनी की तरफ से रावी गाड़ी जो कि 13,690 यूनिट सेल हुए। इसके बाद मूव करते हैं टॉप 5 की तरफ और नंबर 5 पर जो गाड़ी है वो है सुजुकी कंपनी की तरफ से कल्टस और इसके यूनिट सेल हुए 18,615 यूनिट। नंबर 4 पर है सुजुकी कंपनी की तरफ से ही वैगन आर जो जिसके यूनिट सेल हुए 21,079 यूनिट। नंबर 3 पर जो गाड़ी सबसे ज्यादा सेल हुई वो भी सुजुकी कंपनी की तरफ से ही थी और है मॉडल ऑल्टो जिसके टोटल यूनिट सेल हुए 23,658 यूनिट। नंबर 2 पर इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाली जो गाड़ी थी वो है होंडा कंपनी की तरफ से सिटी या सिविक और इसके यूनिट सेल हुए 24,321 यूनिट। व्यूअर्स, अब बात करते हैं साल 2019 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी के बारे में। यह है टोयोटा कंपनी की तरफ से और मॉडल है कोरोला और सबसे ज्यादा सेल हुई और इसके यूनिट सेल हुए 40,512 यूनिट। व्यूअर्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस लिस्ट में से कौन सी गाड़ी खरीदते अपने लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो पर कमेंट ऑफ द डे है मोहम्मद फरूक और इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो थैंक यू आपके कमेंट के लिए। ऑलराइट व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, इसके अलावा अपने अदर फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी चैनल या वीडियो के बारे में कोई भी राय हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज इज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि मैं डेली ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इसके अलावा नॉलेजफुल वीडियोस भी लाता रहता हूँ और हमारे चैनल के ऊपर जॉब अपडेट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।